हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर। तो आज हम बात करते हैं हीमोक्टाइसिस के बारे में। तो हम देखेंगे कि हीमोक्टाइसिस होता क्या है, क्या कोज होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हीमोक्टाइसिस की होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, कफिंग अप ब्लड, जो हमारा कफ होती है, खांसी के साथ ब्लड आना, ठीक है, या कोई भी जैसे थूकते हैं तो उस टाइम पर ब्लड आना, इसको ही क्या बोलते हैं, हीमोक्टाइसिस बोलते हैं। एक इसकी मिलती जुलती टर्म है जिसको बोलते हैं हिमैटिमेसिस, उसमें क्या होता है, वोमिटिंग में ब्लड आता है, ठीक है, वो एक गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज जो बात करेंगे हीमोक्टाइसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कारण होते हैं इसके, ठीक है। तो जो पहला कारण होता है इसका, निमोनिया। अगर लंबे समय से निमोनिया है और उसके मेडिसिन कोई नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से हमारे जो स्पूटम में ब्लड आ सकता है। दूसरा एक होता है ब्रोंकाइटिस, की इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, ठीक है, इसकी वजह से क्या आता है। एक होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, और लंग्स का कैंसर है किसी को, तो उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है एक, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हीमोक्टाइसिस के साइन सिम्टम, तो सबसे पहला जो होता है इसका, कि जैसे खांसते हैं ना, खांसते टाइम ब्लड का आना, तो खांसी में तो ब्लड आएगा, और इसके बाद फीवर आता है इसमें, कि जैसे जैसे, मतलब फीवर कैसे होता है कि अब नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद ज़्यादा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा, मतलब बढ़ता जाता है फीवर इसमें, ठीक है। और एक होता है कि इसमें वेट लॉस होने लगता है, वेट लॉस के साथ साथ बहुत तेज़ पसीना आता है, पसीना जो होता है शाम के समय बहुत ज़्यादा आता है। और एक जो होता है चेस्ट पेन होता है, नाइट के समय बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता है। जो अगर हम देखें इन सिम्टम्स को, ये जो सिम्टम्स हैं टोटल, तो एक तरह से जैसे इसमें चेस्ट पेन हो गया, वेट लॉस हो गया, और तुम्हारा एक है स्वेटिंग वगैरह, तो ये क्या होती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में भी ये कंडीशन आती है, ठीक है। अब बात करें जैसे निमोनिया में, तो निमोनिया में जो इसका स्पूटम का कलर होता है, वो डार्क ब्राउन कलर आता है स्पूटम का, ठीक है। और बात करें अगर हम इसकी लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर में होता क्या है, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, रिपीटेडली आता है, काफ़ी टाइम से चल रहा होता है ये प्रॉब्लम, तो ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि लंग कैंसर हो सकता है पेशेंट। बात करें अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो क्या क्या हम चीज़ करा सकते हैं, तो सबसे पहले एक स्पूटम टेस्ट होता है, जिसको AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कराया जाता है मेनली। इसके बाद है CT स्कैन करा सकते हैं चेस्ट का, और एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, और CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, और एक ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इन सभी इन्वेस्टिगेशन को डॉक्टर्स कराते भी हैं, ठीक है। और अब बात करें अगर हम इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ब्लड को सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमें हीमोस्टैटिक एजेंट को देना होता है, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाए। हमारा जो पहला फोकस रहता है कि ब्लड पे ही रहता है, कि ब्लड किसी तरह रुक जाए, तो इसके लिए हम इटिमिसाइलेट होता है एक टैबलेट 500 mg की, वो दे सकते हैं। एक टैबलेट आती है ट्रानएक्सैमिक एसिड की 500 mg में, उसको दे सकते हैं। इनकी जो डोज रहती है वो 2 या 3 बार BD या TDS दे सकते हैं, 3 दिन के लिए लगातार इसको दे सकते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि ऐसा होता है कि हमारे जैसे ब्लड आ रहा है, इसकी एक रीज़न क्योंकि निमोनिया में क्या होता है कि इंजरी हो जाती है हमारे एलोवेरा में, तो वहाँ पे उस इंजरी को हील करने के लिए हम विटामिन सी की टैबलेट दे सकते हैं, जिसको लिमसी नाम से टैबलेट आती है, 3 दिन तक हमें इसका BD या TDS दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंजेक्शन है, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन होता है, जो 10 ml दे सकते हैं हम IV, ठीक है। और एक इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रिज़ोन और सालबैक्टम, इनके कॉम्बिनेशन में एक इंजेक्शन आता है ये, तो हम दिन में 2 बार इसका यूज़ करा सकते हैं, 3 दिन तक इसका हम यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि कफ भी आती है इसमें, तो खांसी को भी हमें कंट्रोल करना होता है, तो इसमें डेक्सट्रोमेथोरफिन या बोलते हैं क्लोरफेनिरामिन मैलिएट के कॉम्बिनेशन की कोई भी कफ सिरप हम इसमें ले सकते हैं। इसके बाद कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि ACDT बन रही है या वोमिटिंग आ रही है, तो उसमें ACDT के लिए हम कोई भी पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, मतलब सिम्टोमेटिक कर सकते हैं। जैसे अगर एसिडिटी बन रही है तो पेंटोप वगैरह दे दो, और अगर वोमिटिंग है तो MSAT वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद